देवभूमि की धरती उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनावों के लिए राजनीतिक दलों के साथ ही अन्य सभी प्रत्याशियों ने जनता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए घर घर जा रहे हैं। योग की राजधानी कहे जाने वाली ऋषिकेश के वार्ड नंबर 37 के प्रत्याशी विजेंद्र मोगा जनता के लिए क्या सोचते हैं, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, इस पर चर्चा की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां उत्तराखंड में जोर पकड़ रही हैं। हम ऋषिकेश में हैं, वार्ड नंबर 37 में इस समय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र मोगा जी हमारे साथ हैं। चुनाव का माहौल दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तिथि चिंता की लकीरें प्रत्याशियों को देखी जा रही है, लेकिन आपके लिए माथे पर कोई शिकन नहीं है, क्या कहना चाहिए? मैं यहाँ लगभग 7-8 महीनों से लगातार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मैंने यहाँ सौभाग्य योजना में लगभग 120 कनेक्शन कराए हैं और 85 पोल गुज्जर प्लाट व मनसा देवी के अंदर मैं अभी तक लगा चुका हूँ। और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पे बारिश के समय, बरसात के समय पे जल भराव की स्थिति हो जाती है, यहाँ नाली और रोडों की बहुत बड़ी समस्या है, उनके लिए भी मैं बहुत प्रयास में हूँ। और हमारे यहाँ विधायक जी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने लगभग 1-2 करोड़ 80 लाख रुपये यहाँ मनसा देवी के लिए भी, रोडों के लिए दिया है। और गुज्जर प्लाट में भी उन्होंने लगभग 16 से 17 रोड अभी तक दे चुके हैं हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी। तो हम सब जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, विकास के कार्यों में दिन रात लगे हुए हैं और बहुत जल्दी यहाँ मनसा देवी में जो नालियों की समस्याएं हैं या जल भराव की स्थिति होती है, मेन समस्या क्या है, नाली की समस्या है। और नाली अगर यहाँ बन जाएगी रोडों के साथ तो यहाँ जल भराव की स्थिति जो है खत्म हो जाएगी। मनसा देवी अब नगर निगम में जुड़ा हुआ है, तीर्थ नगरी, आध्यात्मिक योग की राजधानी कहा जाता है ऋषिकेश को। केंद्र में सरकार है, आपकी प्रदेश में आपकी सरकार है, जीतने के बाद योजनाएं क्या होंगी, प्लान क्या होगा? मेरा प्लान यही है, जैसे अभी घर घर तक जो अटल बिहारी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, उनकी योजनाओं घर घर पहुंचाना, जैसे अभी मैं सौभाग्य की अभी बात करी है मैंने, या उज्ज्वला योजना है जैसे उनकी बात करी है, उसमें मैंने काफी काम किया, काफी लोगों को मैंने गैस के चूल्हे वगैरह ये दिलाए हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।